हिंदुस्तान ना प्रधानमंत्री श्री मोदी साहेब अने गर्जी गुजरात ना मोदी साहेब अमे आपनो अने हार्दिक स्वागत करे छे पेरिस ना अंदर अने घोरा समाज तरफ थी 700 मम्मी छे फेमिली छे अने घोरा समाज थी खास अमने हार्दिक स्वागत करे छे अने अमारा सेठ ना कीधु छे आपनी जे बेग बनावनी हती ई पण बनी गई वाह वाह इंडिया में बनी गई आपनो काम थई गयु सर। नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। फ्रांस के राजकीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके स्वागत में मुस्लिम समुदाय के लोग भी पहुंचे। हाथ में तिरंगा और मुंह में भारत माता की जय के नारे से पेरिस का एयरपोर्ट गूंज उठा। एयरपोर्ट पर मोदी का ऐसा शानदार स्वागत हुआ जिसे देखकर दूर बैठा पाक बुरी तरह तिलमिला उठा। मोदी के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए बैठे मुस्लिम समुदाय को देखकर पाक अपनी कुड़न छुपा नहीं सका और इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने ऐसा ट्वीट किया जिसमें उनकी हताशा साफ देखी जा सकती है। फवाद चौधरी ने भारतीय पीएमओ की तरफ से शेयर किए गए वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा कि कितने पैसे लग गए इस ड्रामे के लिए। फवाद ने जैसे ही ये ट्वीट किया भारतीयों ने सोशल मीडिया पर ही उनकी क्लास लगा दी। प्रणव महाजन नाम के शख्स ने फवाद को जवाब देते हुए कहा कि अब ये उसकी भी कीमत पूछेंगे, औकात 100 रुपए की शील लेने की नहीं। तो वहीं शुभम डोगरा नाम के शख्स ने उन्हें भारतीय रुपए के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की औकात दिखा दी। इसके बाद आदित्य राज कौन ने ट्वीट कर कहा कि फवाद तुम प्यार और इज्जत पैसे से नहीं खरीद सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम कश्मीर को खरीद नहीं सकते जो हमेशा भारत का हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा। इस पर अतीन्द्र शुक्ला नाम के शख्स ने कहा प्यार और इज्जत तो भूल जाए, ये बेचारे तो टमाटर भी नहीं खरीद सकते। तो एक और यूजर ने कहा कि इनका काम तो 1 किलो टमाटर में भी चल जाएगा। इसके बाद पूजा सिंह नाम की ट्विटर यूजर ने फवाद को जवाब देते हुए कहा कि जाने दे, तेरी औकात के बाहर की बात है। आपको बता दें कि पीएम मोदी जब पेरिस के एयरपोर्ट पर पहुंचे थे उनके स्वागत में गुजरात के वोहरा मुस्लिम पहुंचे थे। ये लोग हाथ में तिरंगा लिए हुए थे। इन्होंने कई बार यहाँ भारत माता की जय के नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने भी इनके प्यार को स्वीकार करते हुए काफी देर बात की। मोदी के स्वागत से पाकिस्तान को जलन होना स्वाभाविक है। जाहिर है जब उनके प्रधानमंत्री इमरान खान विदेश दौरे पर जाते हैं तो स्वागत तो दूर, उन्हें कोई पूछता तक नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के करीबी चीन में भी उनको रिसीव करने के लिए मिनिमम प्रोटोकॉल तक फॉलो नहीं किया जाता।